हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय प्रियंका एंड बिटू में। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं आपके साथ गपशप कर रही हूँ। तो काफी दिनों से पतिदेव ही ब्लॉग बनाते आ रहे थे और मुझे साथ में साथ ताना भी देते आ रहे थे कि रोज मैं ही ब्लॉग बनाता हूँ, कभी कभी तू भी बना दिएगा। तो चलिए, मैंने सोचा कि आज मैं ही आपके लिए ब्लॉग बना के लाती हूँ और आपके लिए मैं आज बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग लाऊंगी। देखते हैं कि पतिदेव के ब्लॉग को आप ज्यादा सपोर्ट करते हैं या मेरे द्वारा बनाए गए ब्लॉग को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मिलिए मेरे छुटकू से। ये है मेरा छुटकू। तो बाणी सभी को बोल रही है हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। और बाणी भी बिल्कुल मस्त है, ये देखिए ऐसे कर रही है हाय हाय। तो आज मैं और मेरा बानू और बानू की अम्मा जी और पापा गए हुए थे घूमने, तो आपके साथ मैं वो वाला क्लिप शेयर करूंगी। तो आज बानू बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि आज ये घूमी घूमी करके आया है। तो हम लोग कहाँ गए थे घूमी घूमी करने वो मैं आपको बताऊंगी, तो आप यूं ही मेरे साथ ब्लॉग में बने। तो चलिए, मैं आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे क्लिप लेके आई। घूमी घूमी करने से पहले बानू अपना ब्रेकफास्ट अपने दादाजी और अम्मा जी के साथ इंजॉय कर रही है क्योंकि सबसे पहले पेट भरा होना चाहिए। तो हमारी बानू खाना खाने लायक हो गई है, हम इतनी बड़ी हो गई है हमें पता भी नहीं लगा। तो जल्दी जल्दी से अब ये और बड़ी हो जाए और आप लोगों की दुआओं से ये बिल्कुल स्वस्थ रहे, हम यही चाहते हैं। एरिया तो आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। तो आज हम पहुंच गए हैं शिवद्वाला बाबा जी के मंदिर में। तो बानू को हमने मंदिर में लेके जाना था क्योंकि कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान भी थी, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसको मंदिर में लेके जाएं। तो ये जो मंदिर है धर्मपुर के पास ही है और पिछले कुछ दिनों हमने अपना प्रीवियस ब्लॉग डाला हुआ था जिसमें बताया हुआ था कि धर्मपुर में कितनी ज़्यादा तबाही हो गई है। तो ये मंदिर भी देख लीजिए, यहाँ खड्ड के पास ही है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह से खड्ड में बनाया है क्यों है, तो ये बहुत पहले का मंदिर है तो इसलिए यहीं पे स्थित है ये मंदिर। तो हालांकि यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पे जो खड्ड है ये ब्यास रिवर में मिलती है, तो हम लोग आज जा रहे हैं यहाँ पे। और ये वाला जो मंदिर है हमने, अगर आपने पूरा का पूरा देखना है तो हमने अपने प्रीवियस ब्लॉग्स में भी डाला हुआ है। तो इस तरह से ग्रामीण जीवन बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमें भी इसी तरह से ये खड्ड पार करनी पड़ेगी। हालांकि ये खड्ड ज़्यादा गहरी नहीं है, तो इसलिए आप लोग भी बोलोगे कि आप बानू को इस रास्ते से क्यों लेके जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये ज़्यादा गहराई में नहीं है तो हम लोग इसको लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो भैया हैं ये हमारी हेल्प करवा रहे थे। तो भाई, ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे इसी तरह का जीवन जीना पड़ता है, इसी तरह के खड्ड नाले पार भी करने पड़ते हैं, इसी तरह से नदियाँ नाले पार करने पड़ते हैं। तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, अगर ये ज़्यादा गहराई में होती और अगर हम लोग इसको पार ना करते तो हम भी इस खड्ड को पार नहीं कर पाते थे, लेकिन ये बिल्कुल आसान है जाने के लिए। तो बाबा जी यहीं पे हैं मंदिर में और कहते हैं कि यहाँ पे जो बाबा जी हैं बहुत सालों से हैं और केरला से हैं, तो बहुत लोग मानते हैं कि इनके द्वारा जो भी पूजा पाठ किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा सफल होता है, जो भी मान्यता वगैरह मांगी जाती है वो बिल्कुल जल्दी पूरी हो जाती है। और ये जो पुल आप दिखाई देख रहे हैं ये जाता है धर्मपुर को। तो धर्मपुर में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, हमने अपना प्रीवियस ब्लॉग डाला हुआ है, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग चेक करें उस ब्लॉग को भी, क्योंकि उसमें हमने डीपली बताया हुआ है कि किस तरह से तबाही का मंजर बना हुआ था हमारा धर्मपुर। Such a disgrace. I never really
तो चलिए भाई, हम तो पहुंच ही गए मंदिर में और मिलवाते हैं आपको बाबा जी से भी। और यहाँ पे बाबा जी ने बहुत सारी गायें पाली हुई है, गायों की बाबा जी सेवा करते हैं। बहुत भव्य ये मंदिर है, लोग भी आते हैं यहाँ पे सेवा करने, तो हम लोगों ने भी सोचा कि आज हम लोग भी जाके आते हैं। तो ये हैं बाबा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया ये केरला से हैं, तो बहुत सालों से हैं यहाँ पे। जब ये अपने टाइम के जवान थे उस टाइम ये यहाँ पे आए हुए थे और आज दिन तक यहीं पे हैं और मंदिर में गाय पाले रखते हैं हमेशा। ऐसा नहीं है कि गाय एक दो पाली हुई है, लगभग 15-20 गायें इन्होंने पाली हुई है और इनकी हर दिन सेवा करते हैं। तो लगे हाथ मैं और चाची जी, मम्मी जी, पतिदेव सब लग गए मंदिर की सफाई करने जल्दी जल्दी से, ताकि बाबा जी का भी काम आसान हो जाए और जो भी यहाँ पे कूड़ा करकट फैला हुआ है वो जल्दी से जल्दी साफ़ हो जाए, क्योंकि बाबा जी भी अकेले फिर क्या क्या करेंगे। वैसे तो गांव वाले भी आते रहते हैं हर रोज़ यहाँ पे साफ़ सफाई करने, तो आज हम लोगों को मौका मिला है तो हम लोग ये मौका गंवाने नहीं देंगे। पतिदेव भी देख लीजिए पूरी लगन से लगे हुए हैं सफाई करने, इसमें शर्म करने की कोई भी बात नहीं है कि आपको शर्म नहीं लगती, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो इसकी शर्म नहीं मानते हैं कि अपना ही घर है और अपने घर में रहते हुए भगवान की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो हमने भी बानू से यहाँ पे आशीष करवाया और फिर हम लोग भी चल पड़े थे अपने घर की और सारी साफ सफाई हम लोगों ने कर ली थी। झाड़ू तो मैंने दे दिया था, तो मुझे लगा कि जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे पोछा भी लगा ही देती हूँ, तो जल्दी जल्दी से मैंने अपना ये भी काम कर लिया। और साथ के साथ पतिदेव तो आपको हर रोज़ बताते ही आ रहे हैं और मैं भी आज आपको अपने ब्लॉग में बता दूँ कि आप लोग कहीं भी बाहर ना जाएँ अपने घरों से, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है। तो हम लोग भी जल्दी जल्दी में गए हुए थे, इस टाइम धूप लगी हुई थी थोड़ी थोड़ी, तो हम लोगों ने सोचा कि जल्दी जल्दी में जाके आ जाते हैं। बाकी अभी जब मैं ब्लॉग बना रही हूँ लगभग 11:30 बज चुके हैं दिन के, तो अभी बहुत ज़्यादा बारिश लगी है और हम अपने घरों में पहुंच गए हैं, लेकिन लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन जब भी आना हो तो भाई देख के ही आएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फिर। तो अब हमारी बानू जो है फिर से खड्ड को पार कर लेगी, तो यहाँ पे एक और अंकल हमें मिल गए, तो ये जो है खड्ड पार करवा देंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई नहीं रहता, लोग यहाँ पे होते हैं और देखते हैं कि कोई भी यहाँ पे मंदिर में आ रहा है तो उनसे खड्ड पार करवा ही देते हैं। तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, अगर फ्लड यहाँ पे ज़्यादा होता तो यहाँ पे कोई भी नहीं होता है, तो फिर हम आते भी नहीं। राइट,
सब लोगों ने जो है मंदिर में आशीष कर लिया है, मत्था टेक लिया है। अब हम जा रहे हैं अपने घर की ओर और ये है भव्य मंदिर, शिव जी का यहाँ पे मंदिर है। तो हम लोग जल्दी में आ गए फिर घर। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर, और हमारे प्रीवियस ब्लॉग भी चेकआउट कीजिएगा, हमने वो भी बहुत मेहनत से बनाए होते हैं। बाकी अपना ख्याल रखें, जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें।